काफी दिनों से चल रहा टेलीकॉम कंपनियों और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच का एजीआर ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उन्होंने 10% एजीआर बकाए का अग्रिम भुगतान कर दिया है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने ऐसा नहीं किया है। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को 31 मार्च 2021 को अपने कुल एजीआर बकाए का 10% का भुगतान करना था, परंतु टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कैलकुलेटेड एजीआर बकाया गलत है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए आदेश जारी किया था कि 31 मार्च 2021 को वे अपने कुल एजीआर बकाए का 10% जमा करें, इसके बाद बाकी राशि किस्तों में जमा करें, परंतु भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने कुल एजीआर बकाए का 10% चुकाने से बच रही है। दोनों ही कंपनियों का कहना है कि उन्होंने अपने एजीआर बकाए का 10% पहले ही जमा कर दिया है। एयरटेल का कहना है कि उनका एजीआर बकाया कुल 13,004 करोड़ है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहता है कि एयरटेल का कुल एजीआर बकाया 43,980 करोड़ रुपए है। वहीं वोडाफोन आइडिया कहती है कि उनका कुल एजीआर बकाया 21,533 करोड़ रुपए है, जबकि डॉट के कैलकुलेशन के हिसाब से वीआई का एजीआर बकाया 58,400 करोड़ रुपए है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब हम ग्राहकों के लिए आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में क्या फैसला आता है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।